Hello students, this is the next question given on a screen. Very important question related to finding the net force और ये vector से solve होगा. अब देखो books में बहुत लंबा चौड़ा किया रहता है, अपने को छोटा करना because we are reading from competitive point of view. अब इसमें आपको कुछ चीजें रट लेनी है. सबसे पहला कह रहा है consider three charges Q1, Q2 and Q3 each equal to Q at the vertices of equilateral triangle of side L. ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड एल है. वॉट इज फोर्स ऑन द चार्ज क्यू विद द सेम साइन एस क्यू. एक चार्ज रखा है क्यू, प्लेस एट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. ये यहाँ पर ओ रखा है ना, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है एज शोन इन फिगर 1.9. फिगर देखो आपको बहुत ईजी कर दिया बना के. अब आपको देखो क्या क्या चीज़ें निकालनी है. सबसे पहले आपको ये निकालना है कि इस चार्ज क्यू पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, कौन कौन फोर्स लगा रहा है. ए लगा रहा है, बी लगा रहा है और सी लगा रहा है. अब आप ध्यान दो, सबकी वैल्यू क्यू के बराबर है तो चार्ज तो सेम है. और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो डिस्टेंस है ना, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों डिस्टेंस भी बराबर है. अब इस डिस्टेंस को अपन निकाल कैसे सकते हैं. देखो पहली चीज़ आप याद कर लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है, मीडियन क्या है यहाँ पे बेटा, एक मैंने मीडियन ले लिया ए डी, मीडियन. ठीक, मीडियन की लेंथ क्या होती है, मीडियन की लेंथ होती है रूट 3/2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ साइड. पहला फॉर्मूला पी याद कर, बहुत काम आएगा, हर चीज़ में काम आएगा, SSC UPSC हर जगह काम आएगा ये. ठीक है, पहली चीज़. फिर ये जो पॉइंट ओ है, ये आपका सेंट्रॉइड है. सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1. तो अब आपको पता है कि जो ओ ए है वो किसके बराबर होगा, 2:1 में डिवाइड किया तो ओ ए हो जाएगा 2/3 ऑफ ए डी. तो ये हो जाएगा 2/3 और ए डी की वैल्यू कितनी है, रूट 3/2 इंटू एल. ठीक, इतना आपने निकाल लिया. अच्छा ये सब भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो अपन मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रिक, ये सब बिना निकाले भी आपका आंसर आ जाता. ठीक, ये आपकी वैल्यू आ गई, 2 और 2 कट गया तो रूट 3/3, इसको रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा एल बाई रूट 3. तो हर साइड की लेंथ कितनी आ गई, एल बाई रूट 3. अब आपको पता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी और ये कितना है बेटा, एल बाय रूट 3. अब आगे ध्यान दो, अगर मैं इस चार्ज क्यू पर फोर्स निकालूं तो ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है और तीनों का डिस्टेंस इस कैपिटल चार्ज क्यू से बराबर है. तो कहने का मतलब तीनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम आएगा. तो आप एक चीज और लिख सकते हो, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, ये किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे F को भी निकालने की भी जरूरत नहीं है. अब देखो यहाँ साफ साफ डायग्राम में दिखा रहा है, देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेगा, तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये आपका फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 है F2 और ये जो चार्ज C पर है ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, फोर्स ड्यू टू चार्ज 3 F3 है और जो A पर चार्ज है इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये है F1. ठीक, तीन फोर्सेज लग रहे हैं. मैं क्या करूँगा, पहले F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालूंगा और उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें से मतलब उसको F1 के साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. तो पहले मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3. अब सिंपल सी बात है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, देखो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है. इक्विलेटरल ट्राइंगल में जनरली जब कोई चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं मीडियन पर सब इक्वल होता है. तो चार हैं तो कहने का मतलब सिंपली अगर F2 और F3 के बीच एंगल थीटा है तो इनके बीच का जो एंगल थीटा वो कितना आ जाएगा बेटा, 120 डिग्री. ये सब आपको याद कर लेना, एग्जाम में वहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है. अब आप ये मान लो कि F2 और F3 का रिजल्टेंट F' है, कितना है, F' लगा दो फॉर्मूला. रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 cos थीटा. अब मैं सीधे F1 किसके बराबर है, F के, F² F2 भी किसके बराबर है, F के, F² प्लस
टू टाइम्स ऑफ एफ वन एफ टू मतलब एफ एन टू एफ, तो हो गया एफ स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा, कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक, तो एफ डैश आ गया अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 2f² कॉस 120 कितना होता है बेटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 दैट इज माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 मतलब -1/2। तो अगर मैं -1/2 पुट करूंगा तो ये 2 और 1/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा -f² करके आप देख लेना। एफ डैश अब कितना आ जाएगा, 2f² माइनस एफ स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया एफ स्क्वायर, तो ये जो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी किसके बराबर आ गया, फोर्स एफ के बराबर आ गया, इसके बराबर। अब देखो जो बच्चा वेक्टर पढ़ा है उसको पता है कि अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर क्वांटिटी दी हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक सर्टन एंगल पे इंक्लाइन है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा उनके बीच से निकलेगा। तो कहने का मतलब जो इनका रिजल्टेंट एफ है ना वो इस लाइन पर होगा, ये एफ होगा, एफ डैश जो अपना एफ आ रहा है वो इसके बराबर। लेकिन कई हर बार ऐसा नहीं होता, मान लो अगर इनकी वैल्यूज अलग होती तब आप रिजल्टेंट का एंगल कैसे निकालते, वो मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्टेंट मेड बाय एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा, टैन बीटा। ठीक, ये अच्छा क्या फॉर्मूला था, मान लो ऐसा ही है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मान लो ये रिजल्टेंट आर है और रिजल्टेंट आर ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था क्या फॉर्मूला था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ वन ऑफ द वेक्टर। तो अगर अपन प्रूफ करना चाहें कि भैया ये इसमें बी से ही पास होगा तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आप मैं लिख देता हूँ टैन बीटा, ये सब आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ। यहाँ पे वेक्टर बी देखो सब तो बराबर है एफ के, तो वेक्टर बी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों भी वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 120, तो साइन ऑफ 120 अपॉन वेक्टर ए भी एफ के बराबर है, बी भी एफ के बराबर है, कॉस ऑफ 120, टैन बीटा इज इक्वल टू एफ, साइन 120 कितना आएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा दैट इज 90 प्लस 30 दैट विल बी कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, सॉरी √3/2, क्लियर है, अपॉन ये है कॉस 120। अभी मैंने बताया कॉस 120 कितने के बराबर होगा बेटा, कॉस 120 होगा कॉस ऑफ 90 प्लस 30 दैट इज माइनस साइन 30, तो ये आ जाएगा एफ माइनस साइन 30 कितना होता है 1/2, क्लियर है। अब आपको क्या मिल जाएगा, टैन बीटा, सॉरी यहाँ मेरी इमेज आ रही होगी, टैन बीटा विल बी इक्वल टू √3/2f डिवाइडेड बाय एफ माइनस एफ बाई टू कितना आएगा, एफ बाई टू, टू और टू कटा, एफ और एफ कटा, टैन बीटा कितना आ गया √3, और √3 कितना होता है tan 60। कहने का मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये इसके साथ 60 बना रहा है, टोटल 120 है, इसके साथ भी 60 बनाएगा, तो मतलब ये इसी सेंट मीडियन से पास होगा। अब मैंने बस ये आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि हर बार जो आप आगे क्वेश्चन करोगे उसमें दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, तो जब मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा तब जो रिजल्टेंट है उसका ऐसा नहीं कि वो एकदम बीच से पास होगा, वो कहीं से भी पास हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं मिटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ओके, अब हो गया अपना आंसर आ गया, अब तो लॉलीपॉप ला गेलू सवाल हो गया एकदम। देखो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया एफ, ये एफ इधर है और ये एफ वन भी एफ के बराबर है और ये किधर है नीचे, अब दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू एफ वन माइनस एफ डैश, एफ वन किसके बराबर है एफ के, एफ डैश भी किसके बराबर है एफ के, तो नेट फोर्स कितना आ गया 0 आ गया। इतना छोटा क्वेश्चन है, आपको तो ये सब भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन में वैल्यूज दी रहती हैं, तो अगर वैल्यू दी तो आप ये रट लो,
जो मीडियन है उसकी लेंथ होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में √3/12, और जो सेंट्रोइड होता है वो 2:1 में डिवाइड करता, तो जो नेट फोर्स है क्यू पर वो जीरो हो जाएगा, और क्यू आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, जहां पर है वहीं पर रहेगा ना, जैसी तू थी वैसी रहना, जग झूमया तड़ जैसा ना कोई। ठीक है चलो, ओके बेटा, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।